नमस्कार, आप देख रहे हैं CMN, मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात जबलपुर की करते हैं। जबलपुर शहर के 3 पत्ती चौराहे पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस अधिकारी और मंत्री जहां इसको लेकर अपना भाषण दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनके सामने ही यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। यातायात नियमों का पालन करने के लिए आज ट्रैफिक पुलिस के कार्यक्रम में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया, DIG भगवत सिंह चौहान सहित कई पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आज जबलपुर में आगाज हुआ। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य नागरिक, स्कूली बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री और DIG सड़क सुरक्षा और यातायात को लेकर आम जनों को समझाइश दे रहे थे। कुछ लोग रुककर DIG की बातों को गौर से सुन भी रहे थे, तो कुछ लोग अभी भी बेधड़क यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के मौके पर DIG भगवत सिंह ने कहा कि यह सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का उद्देश्य ही यही है कि हम यातायात के प्रति जागरूक रहें। पर जिस तरह से जबलपुर का ट्रैफिक है, उसे देखकर लगता है कि अभी बहुत सुधार की जरूरत है। विदेशों के ट्रैफिक से भारत की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकार की तो हम बात करते हैं, पर अपने कर्तव्य के प्रति हम आज भी जागरूक नहीं है। DIG ने यह भी कहा कि आज लोगों में धैर्य नहीं है, यही वजह है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली जाती है। DIG ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाएं में हो रही है। अगर वाहन चालक ठीक ढंग से सड़क नियमों के प्रति जागरूक रहता है तो घटना में बहुत कमी आएगी। तो हमें एक चुनौती है, क्योंकि अव्यवस्थित है और शायद ये असुविधा जितनी शहर में किसी और शहर में आम जन को ना होती हो, इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एक जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। सिर्फ सप्ताह न मनाए हम, 365 दिन ये जागरूकता बनी है। यातायात पुलिस बेहतर प्रयास कर रही है, इस पर कोई दो मत नहीं। सिपाही पुलिस के कर्मचारी आज ही कल चले जाएंगे अधिकारी, उनका कानून के पालन के प्रति प्रतिबद्धता उनकी है, लेकिन हमको हमारे शहर की व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। हम व्यवस्थित शहर कर लें, विकसित शहर कर लें, इसके लिए हमको प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। और ये सराहनीय प्रयास है यातायात के, अभी जो प्रयास देख रहे हैं इसी प्रकार से यदि निरंतरता बनी रहेगी तो मैं समझता हूँ कि जबलपुर का यातायात जो है। भिवानी जिले के गांव संडवा के मजदूरों के लिए मनरेगा बेकार साबित हो रही है, क्योंकि इन मजदूरों को पिछले 3 सालों से काम के एवज में नाम मात्र ही पैसा मिला है। गांव संडवा के मनरेगा मजदूरों का दावा है कि गांव में दर्जनों मजदूरों के पैसे वर्ष 2016 से बकाया हैं, जिसकी शिकायत वह सरपंच, BDPO उपायुक्त कार्यालय और CM विंडो में भी कर चुके हैं, लेकिन उनका बकाया पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिल रहा। इसके अलावा जिला परिषद चेयरमैन रमेश ओला और भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह के सामने भी वो अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मनरेगा का काम किया है, हमारे पैसे नहीं मिले। चंडवा है गांव, जिला भिवानी से तहसील तोसा। कितने समय से पेंडिंग है, कितने रुपए बकाया जी आप? 3 साल हो गया जी, हमारी हाजिरी में कम से कम 120 कनेर एक मजदूर की, तो 70 मजदूर है। तो कहाँ कहाँ आपने शिकायत कर लिया अब तक? हम बयानी कर ली जी, तो शाम कर ली, और क्या काम जानते नहीं करें। किन किन को शिकायत की है जी? CM विंडो पर की है जी, और BDO दफ्तर में की है जी, सरपंच से पूछ लिया जी। सरपंच बोलता है कि आप वहाँ से पैसे नहीं आए, बस सरकार के दौर ये बोलते हैं। 2 सालों के पैसे बकाया? हाँ, 2 साल का पैसा, 1 साल हो गया काम नहीं तक लिया जी। 2016 से बकाया जी? हाँ जी। तो आपकी क्या मांग है? अब हमारा पैसा मिलना चाहिए जी, मांग क्या है? मना तो नहीं किया किसी ने पैसे के लिए? पैसा तो मिले नहीं रहा जी, मना है या तो क्या। नाम क्या आपका? मेरा नाम अनिल है। मेरा नाम राजवीर है जी। मेरी शिकायत है जी, मेरी शिकायत है जी, मनरेगा के पैसे नहीं मिल रहे हमारे, और जितनी भी साइड जितना भी काम था पहले से लेके आखिरी तक हमने काम कराया, जो भी नरेगा का काम बनाया है
वो भी उसके न्यारा भी काम करे हमने, जो मिस्त्रियाँ पकड़वाया है, जो जैसे कुएँ का काम था और उनका कोई खुदाई चढ़ाई का काम था, लैंड थी और सारा काम हमने अलग अलगदा भी कराया, जो सरपंच का थ्रू करवाया है, उनके भी पैसे नहीं मिल रहे मैंने। कितने रुपए का काम, कितने पैसे बकाए आपके? कम से कम 20-25 हज़ार रुपये बकाए हैं मेरे, और सारी लेबर के पैसे रह रहे। कितने लोगों के पैसे बकाए हैं? कम से कम 70 लोगों के पैसे बकाए हैं। देखो ये हमने ये जो जूठा दस्तक करवाया था, ये देखो ये रही, और ये देखो दूसरी साइड रही, ये देखो इस साइड में रही, ये जितने इतने इनके सारा साइन करवा के हमने सीमेंटों पर भी दी है, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं हुई। अब हमारे पास दिखाई मेरी बार रसीद भी है, अब की भी आज की भी रसीद है, और पहले की दिखाइए भाई। काम चल रहा था नरेगा का, और आखिरी तक ही काम कराया था, रजबाए का होया या तड़ा का होया या डिग्गी का होया, जो भी जितना रजबाए खोजना था वो खोजे थे, जितना भी नरेगा काम था ना वो हमने जमा ही नहीं छोड़ा, सारा कराया है। शुरू से कब से बकाया है जी आपका पैसा? ये देखो जी, शुरू में लग गया था, नहर थी जो निगाना माइनर बोलते हैं उसको, जो नरे इसका लिंक के नाम से मशहूर है, उसमें लग गया था शुरू में। उससे लेकर जितने भी काम था ना वो सारा कराया, खाड़ छाटने। कौन से साल से लगे? ये 2016 साल हो गया था। तो कितने लोगों का बकाया गाँव में? ये कम से कम 70 आदमी का बकाया अब भी पड़ा। किन किन से मिले, किन किन अधिकारियों से मिले, किन किन नेताओं से मिले? छः मिनटों पर हमने 2 दरखास्त लगा दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं। फिर वीडियो से मिले, वीडियो ने कोई सुनवाई नहीं करी हमें हमारी। आज ADC और ADC से मिले, तो ADC साहब मिले को नहीं, उनके जो वर्कर थे वह मिले, बोला भाई करवा देंगे, बोला तुम दस्तक कर दो, दस्तक हम करते नहीं, दस्तक जब कराएंगे आगे जब पीछे मिल जाएंगे या कहीं। हम तो मैं क्या शिकायत है? अनिल कुमार नाम है जी। बताओ क्या शिकायत? शिकायत है जी, हमारे गांव में 3 साल से कोई भी नरेगा की एक रुपये मजदूरी नहीं मिली, और सरपंच गांव के जो भोले वाले हैं उनको कई बार धमका भी देता है कि जाओ कुछ कर लो, तो हमने सांसद महोदय से, माननीय रमेश ओरा से, BDO से, ADC साहब से, और 2 बार CMNDO भी भेज चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। जो अधिकारी वो हमें वैसे ही गुमराह कर रहे हैं कि आप कृपया आ जाएंगे, 1-2 दिन में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में छाए CBI और ममता सरकार विवाद पर देश भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया है और उन्हें मौजूदा हालात में पार्टी में काम करने में दिक्कतें हो रही हैं। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में लांबा ने दावा किया था कि आपने उनसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने के कथित प्रस्ताव का विरोध करने को लेकर इस्तीफा मांगा था, हालांकि आपने इस दावे को खारिज कर दिया था। चांदनी चौक से विधायक ने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी अब मेरी सेवा नहीं चाहती है, लेकिन जब तक मैं विधायक हूं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करना जारी रखूंगी। लामा ने कहा कि उन्होंने आप नेतृत्व को एक संदेश भेजकर यह पूछा है कि वे अपने प्रति अपना रुख स्पष्ट करें। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें पार्टी के सभी आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन मीटिंग कार्यक्रम की जानकारी इन्हीं ग्रुप से मिलती थी, लेकिन अब मुझे दूसरे विधायकों से पूछना पड़ता है। लामा ने यह भी कहा कि उन्होंने इस मसले पर चांदनी चौक की लोकसभा प्रभारी पंकज गुप्ता से बात की थी और उन्होंने कहा था कि ग्रुप्स में जुड़वा दिया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब CM ने ट्विटर पर उन्हें अनफॉलो कर दिया। ऐसी स्थिति में काम करना मुश्किल है क्योंकि वे अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती। लामा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी लीडरशिप नहीं चाहती कि मैं पार्टी में काम करूं। मैं पार्टी के लिए ईमानदारी से काम कर रही हूं। कांग्रेस में वापसी के सवाल पर लांबा ने कहा कि आज की तारीख में मेरी कांग्रेस में किसी से बात नहीं हुई है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो उसकी हिफाजत कौन करेगा, ये कहावत चरितार्थ हो रही है फरीदाबाद में। फरीदाबाद के केंद्रीय राज्य मंत्री ने शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एक बेतुका बयान दिया है।
पिछले दिनों एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री जी के अरावली की पहाड़ियों पर लगातार हो रहे अवैध निर्माणों को रोकने पर सवाल किया तो मंत्री जी ने बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए कहा कि उनसे केवल बनाने की बातें किया करो, तोड़ने की बातें उनसे मत करो। फरीदाबाद समेत समस्त दिल्ली एनसीआर के लिए ऑक्सीजन देने का काम करने वाले अरावली पर्वत श्रृंखला पिछले लंबे वक्त से अपने वजूद के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जब केंद्रीय राज्य मंत्री ही सरेआम प्रेस वार्ता में ऐसा बेतुका बयान दे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इन अवैध निर्माणों को संरक्षण कौन दे रहा है। अरावली की पहाड़ियां अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही हैं और जिन लोगों को इसके आंसू पोंछने की जिम्मेदारी दी हुई है वो ही लगातार इसके घावों को नासूर बनाने में लगे हुए हैं, जिससे इसका दर्द कम होने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। अरावली की पहाड़ियों पर इन दिनों बड़े ही धड़ल्ले से फार्म हाउस और मैरिज हॉल खुलते ही जा रहे हैं जो लगातार इसके आंचल को छलनी कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान जब केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर से अरावली की पहाड़ियों पर लगातार अवैध निर्माण को लेकर बात की गई तो मंत्री जी ने बड़ी ही बेशर्मी से हंसते हुए कह दिया कि उनसे किसी भी निर्माण को लेकर तोड़ने की बात ना करें, सिर्फ बनाने के बारे में ही बात करें। आप खुद ही सुन लीजिए कि पीएम मोदी के मंत्री कितनी बेहुदा बातें कर रहे हैं। हमसे बनवाने की बात करो, तुड़वाने की मत करो। बनाने के लिए आप बरसात से पहले दे गए थे हम लोगों को और आपने वहाँ एक ये दावा किया था कि दिसंबर में तैयार हो जाए। काम बहुत तेजी से चल रहा है उसके लिए दरकार, लेकिन वहाँ काम रुक रहा है। कुछ वहाँ के स्थानीय लोग हैं जो वहाँ पर उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। मैं ही प्रस्ताव मैंने आपसे बात की है, लेकिन उन अड़ंगा आज का कुछ भी उन्होंने अपना पुल बनाया, उसका काम नहीं कर रहे। देखिए ऐसा कोई अड़ंगा नहीं बनाया, लगातार काम चल रहा, तेज चल रहा है, दूसरी यूनिट चला रही है। लेकिन मेरा कोशिश है कि बाहर तक रहे तो उसको शुरू कर दे, एक महीने बाद उस पर स्लैब डलनी शुरू हो जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर जब हमने फरीदाबाद के ही एक वरिष्ठ वकील से बात की तो उन्होंने बताया कि वो भी इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इसमें अधिकारियों और भू माफियाओं की मिलीभगत दिखाई दे रही है और सुप्रीम कोर्ट RNGT के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी लड़ाई वो सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। वकील साहब, अरावली की पहाड़ियों में जी जो इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं और देखने में आया है कि अभी जो शादी ब्याह करने के लिए जिन मैरिज गार्डन्स को परमिशन दी गई है वो सिर्फ 14 हैं, लेकिन वहाँ चल रहे हैं दर्जनों से ज़्यादा, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? आपने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उस पर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 आदमियों के पास परमिशन है, बाकी जो है वो इल्लीगल चल रहे हैं और उनकी संख्या कम से कम 40 से 50 के बीच में होगी। वो निगम की कृपा से लगा लो या वो माफियाओं की है, वो उसको इल्लीगल चला रहे हैं, उसका किसी ने ये उनको रोकते नहीं हैं। इस बाबत मैंने अरावली पर्वत के बाबत कई बार शिकायत भी की हैं और जो ये फार्म हाउसेज हैं ये तुरंत बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो जिनकी परमिशन मिली हुई है वो ऐसी जगह है कि वहाँ कंजेस्टेड एरिया नहीं आता कोई, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं, और जहाँ ये चला रहे हैं इल्लीगल वहाँ पब्लिक भी रहती है और जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है और ये पटाखे छुटाते हैं वो प्रदूषण होता है, और सबसे ज़्यादा ये है कि ये इलीगल हैं और माफियाओं के हैं और नेताओं का संरक्षण है। वकील साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि NGT और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये चल रहे हैं धड़ल्ले से। हाँ जी, कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, क्या कारण मानते हैं आप? मैं इसका कारण मानता हूँ सरकार को,
देखो सरकार की ड्यूटी है, सरकार माफियाओं को या जो गलत काम करते हैं उनको टाइम देती है, संरक्षण देती है। उदाहरण के तौर पर कान दिन के लिए था 31 दिसंबर तक तोड़ना था, पूरा टाइम दिया जाओ आप मर्जी पटिशन लगाओ ये करो वो करो, उसके बावजूद अब भी जल्दी है कंस्ट्रक्शन अरावली पर्वत पर। तो वकील साहब अगर कहा जाए जिस तरीका से एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये चल रहे हैं तो क्या उसको इनको ठेंगा दिखा रहे हैं लोग, धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं एनजीटी सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं एनजीटी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और एक ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने दी थी उसमें 8 सप्ताह का टाइम दिया था इनको, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो क्या मानते हैं कैसी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए? इनके खिलाफ होनी चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, ये डेमोलिश होनी चाहिए जो कि नहीं हो रहे अभी। हाँ जो नहीं हो रहे। अधिकारी क्यों नहीं ये डेमोलिश कर पा रहे हैं? अधिकारी इनडायरेक्ट पैसे लेते हैं, इनसे मिले हुए हैं, सभी अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे हैं। अधिकारियों की मिली भगत से चल रहे हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने शिकायत की है, ग्रामीणों ने अधिकारी से शिकायत की है और उसके बाद भी हो रहा है। कागज वगैरह भी इसके खिलाफ जो है वो पुख्ता दिए जा चुके हैं अधिकारियों को भी, सरकार को भी, सबको सबको दिए जा चुके हैं पुख्ता कागज, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहे? नहीं कर रही सरकार। आप कहां तक लड़ाई लेंगे वाली? मैं सुप्रीम कोर्ट तक। मैं इसको एक तो ये आपके जो ये हैं वेंकट ये बनाए हुए हैं इन्होंने, और अरावली पर्वत के लिए तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ूंगा। जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आ रहे हैं हम प्रदूषण के मामले में, जबकि हमारा वर्ल्ड में डिस्ट्रिक्ट का नक्शा भी दिखाई नहीं देगा। ये देखिए आप आने वाली पब्लिक वो जनरेशन को बीमारी से पीड़ित होंगी। तो ये कहा जाए तो अरावली पर्वत जो है श्रृंखला ये एक तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, और हाँ जी तो ये यहाँ पे इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर का एरिया जो है पूरी तरीके से प्रदूषित। देखो जी गुड़गांव और फरीदाबाद के लिए तो ये कवच के काम करती है पॉल्यूशन में, लेकिन माफियाओं ने वृक्ष काट कर और फार्म हाउसेस बनाकर इसका चीरहरण कर दिया। अदरवाइज जो पहाड़ होते हैं ये जंगली जानवरों के लिए होते हैं, वो जंगली जानवर गाँव में आते हैं और कई हादसे भी हुए हैं। अवैध रूप से बन रहे इन फार्म हाउसों और मैरिज गार्डन के ऊपर जब शहर के उप मेयर मनमोहन गर्ग से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अवैध फार्म हाउसों और मैरिज गार्डन बनाने वाले कुछ लोग कोर्ट की शरण में चले गए तो इनको वहां से एक स्टे ऑर्डर मिल गया जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये बिना कोई स्थायी निर्माण कार्य के लिए शादियां तो करा सकते हैं लेकिन कोई और काम नहीं कर सकते। अगर कोई इसका उल्लंघन कर रहा है तो वो इस बात का संज्ञान लेकर इसके ऊपर जल्दी ही कार्रवाई इसे बंद करे। साथ ही उपमेयर ने यह भी माना कि ये अधिकारियों की लापरवाही है। देखिए ये मामला करीब एक साल पहले भी जब हमारे नगर निगम ने कुछ CLU प्रोविजनल CLU दिए थे तब भी मैंने ये मामला उठाया था कि ये सूरजकुंड की जो रोड है उसके जो लेफ्ट साइड में जितनी भी जगह है वो फॉरेस्ट PLPA के अंडर आती है और वहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है और वो बिल्कुल इल्लीगल है। हाँ कुछ जो वहाँ पर बैंकेट हॉल चल रहे थे वहाँ पर उनको कुछ स्टे मिला है कोर्ट से जिसमें सिर्फ शादी करने की इजाज़त है, वहाँ पर कोई पक्का स्ट्रक्चर वो बना नहीं सकते ना कोई भी और किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते। वो मेरे ख्याल 10 या 12 या 15 जो भी होंगे उनको सिर्फ शादी करने की इजाज़त है, बाकी जितने चल रहे हैं वो अवैध हैं और मैं पता करूंगा कि भाई वो लोग कौन हैं जो इनको चला रहे हैं और मैं अपने कमिश्नर से बोलूंगा कि भाई वहाँ पर इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। सर जो बगैर उनके ऊपर चल रहे हैं बगैर परमिशन के जिनके पास कोर्ट से कोई परमिशन ही नहीं है उनके ऊपर अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई होगी आगामी? नहीं नहीं ये तो वहाँ पर बिल्कुल चलने नहीं चाहिए और मैं देखूँगा, मैं सर्वे करवा लेता हूँ, अपनी टीम को वहाँ भेजता हूँ और वहाँ सर्वे करवा कर अगर ऐसे कोई चल रहे हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से मैं अपनी कमिश्नर को बोलता हूँ, अनीता यादव जी आई हुई हैं और काफ़ी तोड़फोड़ में लगी हुई हुई हैं, उनको मैं बोलूँगा कि उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। सर 14 को केवल परमिशन है मैरिज या शादी करने की, इवेंट करने की,
ठीक है, लेकिन जिनके पास परमिशन नहीं है, जो दर्जनों से ज्यादा जो इलीगल बैंकवेट फंड चल रहे हैं, क्या वो एनजीटी से और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं जो उनको ठेगा दिखा करके ये चला रहे हैं? नहीं नहीं, वो किसी से भी बड़े नहीं है, वो अवैध है, और अवैध का मतलब अवैध है, और वो बिल्कुल नहीं चलने चाहिए मेरी समझ से। मैं अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ये हमारे अधिकारियों की लापरवाही है, और इसको दूर किया जाएगा, और मैं तुरंत इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लूँगा। बिल्कुल, मैं पहले भी चिट्ठियाँ लिख चुका हूँ, और अब फिर आप लोगों ने मेरे को अगर ये बताया कि वहाँ पर इलीगल ये अवैध फार्म हाउस चल रहे हैं, मैं एक चिट्ठी ज़रूर लिखूँगा और कमिश्नर से दरख्वास्त करूँगा कि भाई इनको तुरंत बंद किया जाए। धन्यवाद। बार बार अलग अलग जगह अधिकारी और मंत्रियों को आगाह करने के बाद भी आज तक ये अवैध निर्माण रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में फरीदाबाद में आयोजित होने वाले 33वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की प्रेस वार्ता के दौरान भी पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा ने जब इन अवैध निर्माणों के बारे में बात की तो उन्होंने भी कार्रवाई करने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए, कैसे जंगल में रहने वाले ये बंदर अवैध रूप से बने इन मैरिज गार्डन में अटखेलिया कर रहे हैं, क्योंकि जंगल रूपी घर अब इन आलिशान मैरिज गार्डन की शक्ल ले चुके हैं, जिससे ये भी यहाँ आने के लिए मजबूर हो चुके हैं। मैरिज गार्डन यूं तो शादियां करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन शादियों के वक्त यहाँ चलने वाले पटाखे और बम यहाँ के वातावरण को प्रदूषित करने में चार चांद लगा देते हैं। अरावली के पहाड़ियों पर भूमाफिया धड़ल्ले से निर्माण भी कर रहे हैं, और अवैध रूप से दूसरी जगह पर पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। इनके बारे में कई बार अधिकारियों से लेकर नेताओं को बताया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। टीम सीएमएन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीएमएन। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।